बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव नागराव जयकर को ठीक मनपा चुनाव के पहले पदमुक्त किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बसपा के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी धर्मवीर सिंह अशोक व प्रभारी प्रमोद रैना ने शनिवार को नागपुर के नारी रोड स्थित बसपा कार्यालय में जयकर से भी कामकाज को लेकर सवाल किए, लेकिन जयकर के जवाबों से संतुष्ट नहीं होने पर प्रभारी सिंह ने बैठक में नागोराव जयकर को पदमुक्त करने की घोषणा कर दी। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद पक्ष विरोधी कृत्यों में गतिविधियों में संलग्न होने का आरोप लगाकर तत्कालीन प्रदेश सचिव कर और तत्कालीन नागपुर लोकसभा चुनाव के बसपा उम्मीदवार मोहम्मद जमाल शेख को निलंबित किया गया था। उनके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि की शिकायत भी हुई। रैना ने महासचिव पद से जयकर को विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों की बैठक ली, लेकिन बैठक में अनेक विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी नदारद थे।